ये गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट देखें कि जिस तरह ये बलूचिस्तान को अब जिस तरह हमने अपनाया, यानी अपना समझा बलूचिस्तान को, जो पहले गवर्नमेंट से नहीं समझा, तो कम अज कम उनको ये सोचना है कि पहली दफा बलूचिस्तान में इस तरह का पैसा खर्च किया जा रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा बलूचिस्तान के मौके पर खूब कहा कि जो अहमियत बलूचिस्तान को इनके दौर में दी जा रही है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। खान साहब ने कहा कि दीगर सूबों वाले कहते हैं कि आप बलूचिस्तान पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं, माजी में इस कदर तवज्जो नहीं दी गई जिस कदर आज इनके दौर में दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 700 अरब का पैकेज दे चुके हैं और मजीद सड़कों के लिए भी पैकेज दिया जा रहा है। आपके पास मुसलसल आता रहूँगा, बलूचिस्तान का प्रोग्रेस देखता रहूँगा। 700 अरब रुपए का हमने सबसे बड़ा पैकेज दिया अब तक बलूचिस्तान को, और दूसरा भी अभी एक और हम सड़कों का पैकेज दे रहे हैं। इन तमाम तर इकदामात के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अहम मसले की तरफ तवज्जो नहीं दिया। इस एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में बेरोजगारी की शरह सबसे ज़्यादा है। खान साहब ने हेल्थ पैकेज का मशवरा दिया, मगर इससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल मसला सूबे में बेरोजगारी है। इंटरप्राइज डेवलपमेंट पर भी बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। दरियासना ना सिर्फ नशों के आदि बन रहे हैं, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान नस्ल बड़ी तेजी से जहनी और नफसियाती बीमारियों का शिकार भी बन रहे हैं।